मैंने कहीं पढ़ा था बोट इज नॉट अ ऑडियो प्रोडक्ट एनीमोर, इट्स अ लाइफस्टाइल ब्रांड, सेलिब्रिटी सिंगर क्रिकेटर सबको घेर के रखा हुआ है। हे गाइस, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे बोट ने अपना नया TWS ईयरबड 601 को लॉन्च कर दिया है। और भाई इसकी खासियत पता है क्या है, इसमें आपको ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है। तो चलो चेक करते हैं कितना दम है इन ईयरबड्स पे। लेकिन अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई आज की वीडियो पे 800 लाइक का टारगेट लेके चलते हैं, और जो भी दिल और दिमाग में आ रहा है ना वो कॉमेंट जरूर कर देना ताकि वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाए। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लैक और रेड एक्सेंट में ईयरबड का बॉक्स यानी बोट का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में मेंशन है कि इसमें आपको हाइब्रिड ANC मिलता है, 4 माइक मिल जाते हैं और एक IWP टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सब आपको डिटेल में आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहां पे आपको काफी सारे पेपर वर्क मिल जाएंगे, जिसमें 1 साल का वारंटी कार्ड मिलता है, सेलिब्रिटीज से भरा हुआ एक पेपर मिल जाता है और FAQ पेपर मिलता है, ये बोट ने नया ऐड किया है। इसके बाद एक और बॉक्स मिलता है जिसमें ब्लैक कलर की USB टाइप सी केबल मिल जाती है। केबल की लेंथ इस बार बड़ी कर दी गई है, बट एक चीज चेक करो, पॉलिथिन छोटी की छोटी है, इसको भी बड़ा कर देते तो क्या जाता। उसके बाद एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, देन एक यूजर मैनुअल गाइड मिलता है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई कि कैसे क्या यूज करना है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे चार्जिंग केस पूरा का पूरा मैट फिनिश में मिल जाता है, जो पर्सनली मुझे काफी पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके हाथों के निशान इतने ज्यादा नहीं लगते और दिखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। इन ईयरबड्स के चार्जिंग केस का साइज ज्यादा छोटा तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है और आप इजिली एक हाथ से ओपन और क्लोज कर सकते हो चार्जिंग केस के लिड को। चार्जिंग केस के सामने आपको बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसी के साथ में नीचे की तरफ आपको कुछ LEDs मिल जाती हैं। ये LED इंडिकेटर बैटरी के लिए जो है बताता है कि भाई कितनी क्या बैटरी इसमें बची है। राइट साइड में आपको यहाँ पे USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। भाई बैक साइड में आपको डेडिकेटेड पेयरिंग के लिए बटन मिल जाता है, अगर आपको बाय चांस दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा, ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो चार्जिंग केस के हिंज की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक सी लगी है, और भी अच्छी हो सकती थी। और यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की है कि आवाज आती है हिंज में से अगर इसको थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो। इसमें लगा हुआ मैग्नेट थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता था। अब मैग्नेट की बात कर ही रहे हैं तो ईयरबड्स का जो मैग्नेट वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं अच्छे से यहाँ पे शेक करके आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जो ईयरबड्स है वो चार्जिंग केस से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब आगे बढ़े और बात करें ईयरबड्स की क्वालिटी की, तो ये भी पूरी तरीके से मैट फिनिश में मिल जाता है, कोई भी शाइनी पार्ट इसका ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं है, मैट फिनिश काफी प्रीमियम लग रहा है। 45 डिग्री टिल्टेड है, लेकिन इसमें मुझे दो चीजें काफी पसंद आई है। नंबर 1, तो यहाँ पे आपको जो है जेस्चर मोड मिल जाता है, यानी कि स्वैप अप स्वैप डाउन करने पे जो है आप अलग अलग फंक्शनैलिटी को कॉल कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पे जो है ना सिलिकॉन टिप की क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है बोट की तरफ से। सेम एक ही क्वालिटी की जो है ये टिप्स अभी तक जो है यूज कर रहा था बोट, लेकिन इस बार क्वालिटी अच्छी इंप्रूव की गई है, काफी सॉफ्ट सा जो है सिलिकॉन रबर मुझे लगा है। तो अब इसके कंफर्ट एंड फिट की बात करें, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें जो मीडियम साइज का ईयर टिप लगा हुआ है वो मेरे ईयर में इतने अच्छे से कंफर्ट फिट नहीं दे पा रहा था। मैंने जो है अच्छे से अपना हेड शेक करके देखा तो लूज हो रहा था, तो मुझे जो है इसमें दिया गया एक्स्ट्रा जो लार्ज वाला जो ईयर टिप है वो लगाना पड़ा। उसके बाद जो है फिटिंग मुझे काफी अच्छी हो गई, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि हमेशा से जो है मीडियम साइज के ईयर टिप्स मुझे आ जाते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ईयर टिप्स का साइज जो है एग्जैक्ट नहीं है, तो आप अपने ईयर होल के हिसाब से जो है ईयर टिप्स को चेंज कर लेना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जिमिंग कर रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, एक बार फिटिंग अच्छे से आ गई तो आपके ईयर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब कनेक्टिविटी पे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पे जो है ना मैंने कुछ इशू फेस करे हैं। सबसे पहली बात, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ये ब्लूटूथ आउटडेटेड हो चुका है। आज के टाइम पे मार्केट में ब्लूटूथ 5.2 टेक चल रहा है, जो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए था, क्योंकि ये लेटेस्ट ईयरबड है। बेसिकली इसमें आपको IWP टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑटो पेयरिंग वाला ऑप्शन है, यानी कि चार्जिंग केस को जो है एक बार आपको अपने ये फोन में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जब भी आप चार्जिंग केस के लिड को ओपन करोगे तो आपका ईयरबड जो है ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने सबसे पहले आईफोन में टेस्ट करके देखा, और आईफोन में एक दो बार तो अच्छे से काम किया, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है, लाइक ऑटो कनेक्ट जो है इतने जल्दी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे कई बार जो है मैनुअली कनेक्ट करना पड़ रहा है। उसके बाद मैंने एंड्रॉइड में भी ये चीज करके देखी, तो एंड्रॉइड में भी सेम चीज जो है मुझे फेस करने को मिली। तो ऑटो कनेक्ट या फिर कह लो IWP, ये टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से जो है बोट ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, इस पे काम करने की जरूरत है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना एक तरीके से काफी पुरानी सी है, काफी सारे ईयरबड्स में ऑलरेडी हमें देखने को मिलता है कि भाई चार्जिंग केस ईयरबड निकाल रहे हैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, लाइक मैंने ये जो चीज फेस करी है। अगर आप भी इस ईयरफोन को यूज कर रहे हो, सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो ये है वीडियो लेटेंसी टेस्ट बोट 601 का, और यहाँ पे वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जब आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो सिंक्रोनाइजेशन कैसा है। यहाँ पे 3 बार क्लैप करते हैं, ये 3 बार मैंने क्लैप किया है, अगर ये तीनों क्लैप जो है बिल्कुल सिंक हुआ है, ऑडियो वीडियो सिंक हुआ है, तो समझ लेना कि वीडियो लेटेंसी जो है अच्छी है। नहीं है तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता देना।
अब यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो और गेमिंग लेटेंसी दोनों सुन ली है। अब मैं अपना ओपिनियन दूं ना तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई है लेटेंसी के टाइम पे। वीडियो के टाइम पे तो कोई भी लेटेंसी फील नहीं हुई है, ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन काफी अच्छा है। गेमिंग के टाइम पे भी जो है ना आप लाइक नॉर्मली गेमिंग कर सकते हो, कैजुअली गेमिंग कर सकते हो, बट हाँ अगर आप चाह रहे हो बिल्कुल प्रो लेवल पे खेलना तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन ईयरबड्स को यूज करो। आप कोई भी वायर वाला ईयरफोन यूज कर लो तो आपको एग्जैक्ट जो है साउंड आ जाएगा। हल्का सा जो है लेटेंसी इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है लेकिन वीडियो के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो इसमें जो है ना आपको 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं और मैं आपको क्लियर कट जो है होके आंसर देने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो भाई इसमें आपको भर भर के बेस मिल जाते हैं। बेस इतने ज्यादा है कि कभी कभी बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो बज रहा है ना वो भी कैंसिल हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। वोकल्स वगैरह बोलूंगा कि अच्छे हैं, कोई भी लाइक आप डायलॉग डिलीवरी वगैरह के टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस टाइम पे बेस ही इतना ज्यादा नहीं है। बट अगर कोई सॉफ्ट टाइप का सॉन्ग सुन रहे हो ना तो उसमें भी इंस्ट्रूमेंट का जो एक तरीके से मिड्स होते हैं या लोज होते हैं उसको एनहांस कर देता है बेस के कारण, तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। बेसिकली ये ईयरबड्स एक तरीके से बोलूंगा कि भाई बेस लवर्स के लिए जिनको धमधम वाले सॉन्ग सुनना पसंद है, पंची बेस चाहिए ना या फिर लाउड साउंड चाहिए, तब आप जो इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हो। बट जो भाई लोग मेलोडी सॉफ्ट टाइप के सॉन्ग या फिर अरिजीत टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन ईयरफोन्स को, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा आपको। बट हाँ अगर आप बेस लवर हो तो मजा आ जाएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा स्पेशल चीज जो मिलती है वो है ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड। और ANC को ऑन करने के लिए आपको राइट वाले को जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। आप ANC मोड में चले जाओगे और सच बताओ ना ANC बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। लाइक ANC को ऑन करने के बाद समझ नहीं आ रहा है ANC ऑन भी है या नहीं है, गिमिक लगा है मुझे। और यहाँ पे बोट को भाई ANC पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Realme Buds Air 2 इसी प्राइस रेंज में आता है और कमाल का ANC मिल जाता है। और भी जो है ईयरबड्स मिल जाते हैं बजट में आने वाले जिनमें ANC काफ़ी हाई क्वालिटी का है, लेकिन इसमें ANC बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है। सरप्राइजिंगली ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे इसमें अच्छा लगा है। काफ़ी सारे बजट ईयरबड्स है जिसमें ट्रांसपेरेंसी मोड अच्छे नहीं होते हैं, बट इसमें अच्छा है, लेकिन ANC इसमें अच्छा नहीं है। और इवन ANC ऑन होने के बाद साउंड क्वालिटी और भी ज्यादा बेसी सी हो जाती है, लाउडनेस और भी ज्यादा जो है इनहांस हो जाती है। तो ANC इज नॉट अप टू द मार्क। तो अब बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं और इसको यूज करते हुए मुझे एक दिन पूरा हो चुका है, अभी भी इसमें बैटरी लाइफ 60% बता रहा है। और यहाँ पे है ना आपको बैटरी लाइफ को लेके प्रॉब्लम जो है बिल्कुल फेस नहीं होगी। ये मेरा भी भरोसा है बोट पे और आप लोग मेरे पे भी भरोसा कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बोट बैटरी लाइफ के मामले में बहुत अच्छा होता जा रहा है। आपको एक एक दो दो दिन तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है। चार्जिंग केस करीब करीब 4 बार फुल चार्ज कर देगा इनको। उसी के साथ में चार्जिंग स्पीड काफी जबरदस्त है, लाइक 5 मिनट अगर आप चार्ज करते हो ना तो आराम से आपको जो है 1 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है इनमें से। तो अब इसके बटन फंक्शनलिटी की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको स्वाइप जेस्चर्स मिल जाते हैं, स्वाइप अप स्वाइप डाउन करने पे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट वाले ईयरबड्स को अगर आप स्वाइप अप करते हो ना तो वॉल्यूम आपका जो है बढ़ता जाएगा, और अगर स्वाइप डाउन करोगे तो वॉल्यूम जो है डाउन हो जाएगा। उसी के साथ में डबल टैप अगर आप करते हो तो आपका जो भी म्यूजिक है वो पॉज हो जाएगा, और अगर डबल टैप करते हो फिर से तो आपका जो भी म्यूजिक है वो रिज्यूम हो जाएगा। वहीं राइट वाले को अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपका सॉन्ग जो है चेंज हो जाएगा, अगर आप जो है स्वाइप डाउन करोगे तो आप प्रीवियस जा सकते हो। तो इस तरीके का जो है आपको फंक्शनलिटी मिल जाती है राइट वाले ईयरबड्स पे। अगर आप राइट वाले ईयरबड्स को 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे तो आपका ANC मोड ऑन हो जाएगा, और वहीं पे लेफ्ट वाले को अगर आप 2 से 3 सेकंड जो है होल्ड करके रखोगे तो आपका जो भी गूगल असिस्टेंट है या सिरी है वो इनेबल हो जाएगा आपके फोन में। बट यहाँ पे मुझे दो चीजें काफी ज्यादा वियर्ड लगी है। सबसे पहली तो ये कि जब आप जो है वॉल्यूम डाउन कर रहे हो ना तो अगर आप डबल बार ऐसे स्वाइप कर देते हो तो कभी कभी इसको लगता है कि आप जो है पॉज कर रहे हो तो सॉन्ग जो है पॉज हो जाता है। उसी के साथ में यहाँ पे जो है आपको प्ले पॉज का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे आप बाहर निकालते हो तो आपका जो है म्यूजिक जो है पॉज हो जाता है। अगर आप दोनों को साथ में जो है एक साथ निकाल रहे हो तो आपका म्यूजिक पॉज हो जाएगा। नो डाउट काफी अच्छा फंक्शनैलिटी है, लेकिन उसी टाइम पे अगर आप एक को जो है डालते हो तो आपका म्यूजिक जो है प्ले हो जाएगा। तो भाई ये क्या जो है मुझे समझ नहीं आया लॉजिक क्या है। तो अब मेन क्वेश्चन बनता है कि इन ईयरबड्स को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो सिंपल और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलूंगा, ANC के लिए तो इसको आप परचेस मत करना है, क्योंकि Realme Buds Air 2 आ जाते हैं तो उसमें आपको बेटर ANC मिलता है अगर आप ANC के लिए लेना चाह रहे हो तो। लेकिन हाँ अगर आप जो है बेस लवर हो, आपको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए और मैट फिनिश
इसमें अच्छा गुड लुकिंग वाले ईयरबड्स चाहिए तो आप जो है परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्वाइप जेस्चर वगैरह भी जो है आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी मुझे काफी जबरदस्त लगी है। तो ये सारी चीजें चाहिए तो आप परचेस कर लो, लेकिन अगर आप वहीं पे मेलोडी वगैरह टाइप के सॉन्ग सुनना चाहते हो, इंस्ट्रूमेंट आपको ऑन पॉइंट चाहिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आप इनको परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बेस्ट बाइंग लिंक है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, ये था फुल डिटेल रिव्यू एयरडॉप्स 601 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और स्टार्टिंग में जो लाइक का टारगेट दिया था वो जरूर पूरा करना। चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।